और मैंने पहले ही कहा था बीमार जानवर का गोश्त है अच्छी तरह पकाइयो है। अरे यहाँ तो लोग गधे घोड़ों का गोश्त खा के भी बच जाते हैं। अगर मौत आनी होती है ना तो मच्छर के काटने से भी आ जाती है। भला बताओ 15 मन का भैंसा था वो एक ही दिन में 40,000 का नुकसान हो गया। हमेशा इसी रोड से निकला ही है, यही रोड है। हाँ हेलो आरमदान, अबे पकाई रोक दे, अबे ऐसा ना हो कोई और चांद चढ़ जाए। हाँ पहले ही 3 मौतें हो चुकी हैं। अबे हाँ उसी गोश से, अबे वही गोश जो एजाज साहब क्या दिया था। हाँ हाँ कुछ भी कर, सोडा डाल दे, कुछ भी कर दे, खाना तैयार नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। हाँ अबे जो कह रहा हूँ वो सुन, बंद कर फोन। दिलवर कसाब का शेर से बार क्या काम है? शेर से बार भी गोश्त सप्लाई करते हैं कहिए। ऐसे ही लग रहा है जग जान ले सीने तले लोहे का दिल धड़के, उठान ले तो भाग ले मुश्किल तुझसे डर के, तेरे चरणों के आगे रगों में खून को आगे ललकार दे कोई कहीं तो दिखा दे। आजा मैदान में आजा दिलवर कसाब, 3 जवानों का जान लेके अपने गुनाहों को छुपाने शहर से बाहर आ गए। तीन कौन 3 जवान? वो तो तेरे को ताने ले जाके बताएगा। अब सीधे शराबों से हमको शहर के और उस कसाब के पास ले जाओ जो तेरे तरह बेजमीर है, लोगों को बीमार और मुर्दा जानवरों को गोश्त खिला के उनका जान लेता है। ले जाओ उसको। चले एक काम करो, ये सारे गोश्त पिकअप में डालो और पिकअप लेके आओ ताने। कुछ और चाहिए सर? गुज़िश्ता रोज होने वाली शादी 3 नौजवानों की अमवात के बाद खाना बर्बादी में तब्दील हो चुकी थी। ये केस पुलिस ने सॉल्व कर लिया है। सदाई रिपोर्ट में बताया ये जा रहा था कि इन नौजवानों की अमवात जहरीली शराब पीने की वजह से हुई, लेकिन पता अब ये चला है कि जो गोश्त दावत वलीमा के लिए लाया गया था वो मुजरे सहर था और नौजवानों की अमवात भी उसी गोश्त को खाने की वजह से हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है बल्कि शहर भर में छापे मार कर ऐसे सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है जो बीमार जानवरों का गोश्त सप्लाई कर रहे थे। गुड जॉब खड़ूस।